कि देशभक्ति से बहुत अभिभूत था। उसे लगा कि चलो कि कोई तो है जिसे नेताजी के चश्मे का ख्याल है। अतः वह जब भी 15 दिन के बाद उधर आते और मूर्ति पर नया चश्मा देखते और मन ही मन आनंदित होते। वाह भाई क्या अच्छा आइडिया है, मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती पर चश्मा बदल जाता है। इस प्रकार एक दिन जब हल्दार साहब वहाँ से गुजरे तो वहाँ पर उन्हें मूर्ति पर कोई चश्मा नज़र नहीं आया। तो पान वाले से उन्होंने पूछा तो पान वाले ने धरती के छोर से अपनी आंखें पूछते हुए कहा, साहब चश्मे वाला मर गया। यह सुनकर के लेखक हल्दार साहब बहुत उदास हो गए। उस दिन उनका मन नहीं हुआ पान खाने का। उन्हें लगा कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं है और चश्मे लगाने वाला देशभक्त भी कोई मौजूद नहीं है, क्योंकि इस देश में देशभक्तों की अब कमी हो गई है और किसी के इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मूर्ति पर चश्मा है या नहीं है। ये सोच करके वो बहुत उदास हो गए। अगली बातें पाठ का अगला हिस्सा मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक इसे रीड कीजिए, आपका होमवर्क है। धन्यवाद।